तो यार मैं आ गया बजरंग अंकल की शॉप पे, और अभी भी इसकी चेसी वेसी पे जितने भी इसके नेटवर्क लगते हैं। यार ये लगा रहा हूं, क्या है कलर देखो इसको, ये फ्लैश में समझ ही नहीं आ रहा है प्रॉपर कलर क्या है। ये रेड वाइन टाइप कलर है, और ये वीडियो में कुछ अलग सा दिख रहा है। सीट है वो दूसरी इसमें लगेगी, वो भी बनने गई भी है, वो भी आई नहीं है, बस इसका एक ये काम है। तो दोस्तों आज फाइनली वो दिन आई गया जब अपनी रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 पूरी हो जाएगी कम्प्लीट। एंड आज की वीडियो में ये हो रही है पूरी बाइक जो है असेंबल। और यार इस बुलेट को कवर करने में मेरे को काफी मजा आया, बाकी आप सब कमेंट करके बताना जरूर कि ये अब आपको कैसी लग रही है। और इस वीडियो में आपको पूरा फाइनल लुक देखने को मिल जाएगा इस कबीर सिंह बुलेट का, कबीर सिंह नहीं वैसे तो इसको कहना चाहिए G2 मॉडल का पूरा आपको लुक देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस बुलेट को ऊपर ऊपर से देखोगे तो ये आपको पूरी G2 लगेगी, पर आपको इंजन से पता लग जाएगा कि ये ज्यादा पुरानी बुलेट नहीं है, स्टैंडर्ड है ये, जिसको हमने कन्वर्ट करा है G2 मॉडल में फॉर कस्टमर डिमांड। और यार वीडियो में बने रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इस बुलेट में यार तुम्हारे भाई ने भी थोड़ी बहुत अपनी मेहनत करी है। सो गाइस बाय द वे माय नेम इज हर्ष एंड यू वॉचिंग HC Nomatic। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू, बातें हुई बहुत। तो यार मैं आ गया बजरंग अंकल की शॉप पे, और आज इस वीडियो में आप देखोगे असेंबल हो रही है अपनी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350। और अभी भी इसकी चेसी वेसी पे जितने भी इसके नेटवर्क लगते हैं, तीन पोर्शन से ये पूरी इस पे बैठेगी, वो सब भैया इसका कर रहे हैं। और बाकी के नट बोल्ट इसके यहाँ पड़े हैं। इंजन पे अभी पेंट वेंट सब कुछ हो चुका है, चेसी भी एकदम रेडी है, बस भैया को ये चेसी इंजन पे बिठानी है और अपने थोड़ी बहुत खड़ी होने लगेगी पैरों पे। हाँ हो सकता है अभी आज ही इसके टायर वायर सब कुछ लग जाए, वो हम सब आपको आगे बताते रहेंगे। अरे हर्ष क्या कर रहा है? नहीं यार ये लगा रहा हूं, क्या है सपोर्ट ले रहा भैया जी? तो ये आगे का तूने पूरा टाइट करवा दिया है भाई, कलर देखो इसका, ये फ्लैश में समझ ही नहीं आ रहा है प्रॉपर कलर क्या है। ये रेड वाइन टाइप कलर है, और ये वीडियो में कुछ अलग सा दिख रहा है, रियल में कुछ और ही कलर है। तो जब ये पूरी बन जाएगी ना, तब एक बार इस कलर का मतलब जो ओवरव्यू होता है वो हर्ष देगा आपको, है भाई हर्ष? बट आज हमने कैमरा हर्ष का संभाला हुआ है अपना वाला पॉकेट में। ये देखो मतलब पास से देखो, हो सकता है कुछ और ही दिखे, स्पार्कल देखो पास, लेकिन यही चीज आप दूर से देखो कुछ और दिख रही है। तो दूर से देखा तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था, पास से आके देखा तो ये लाल परी लग रही है। यहाँ पे भाई हर्ष मेहनत कर रहा है। हाँ भाई हर्ष कैसा लग रहा है मेहनत करके? बढ़िया लग रहा है यार, बस लगे बड़े जितनी जल्दी बुलेट बन सके। सो गाइस अब स्टैंडर्ड इतनी तैयार हो चुकी है, और इसमें जो छोटा मोटा और थोड़ा सा ही ज्यादा मेरा हाथ भी है, ये आप देख ही सकते हो। इसके पीछे का एक्सल और आगे के ये शॉकर सोकर सब कुछ मैंने और भैया ने फिट करा है। कुणाल भाई वहाँ इसका मडगार्ड कस रहे हैं, और भाई देखो इतनी तैयार हो ही चुकी है। बाकी पेंट की क्वालिटी आपको कुणाल भाई ने भी दिखाई थी, एक बारी मैं भी दिखा देता हूँ। और ये आप देख रहे हो स्पार्कल्स, मतलब पेंट अभी इस पर रबिंग पॉलिशिंग होगी, उसके बाद ये और ज़्यादा चमक उठेंगे जब पूरी बाइक तैयार हो जाएगी, वो तो होगी कल ही। देखो अभी बस ये आपको अपने पैरों पर खड़ी होती हुई दिख जाएगी थोड़ी देर बाद, अभी बने रहो इस वीडियो में। तो दोस्तों अब जो अपनी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 थी वो इतनी तैयार हो चुकी है, और इसका ये और इसमें G2 स्टाइल मडगार्ड भी आ चुके हैं, और इसका हेड खोल भी लग चुका है, शॉकर लग चुके हैं, और अपने पैरों पे ये पूरी तरीके से अब खड़ी हो चुकी है। बाकी अब हो चुकी है रात और 9 बजने वाले हैं, इसमें अभी इतना ही काम होगा, बाकी का जो काम होगा वो कल होगा। कल इसकी नसें बिछेंगी, वो सब इसकी वायरिंग वायरिंग होगी, इसका कार्बोरेटर वार्बोरेटर लगेगा, पीछे का मडगार्ड लगेगा, वो सब अब कल होगा। अब मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि अब हो चुकी है रात। सो दोस्तों मैं पहुँच गया महापुरी, ये है दूसरा दिन, और कल तक मैंने आपको दिखाया ये अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, मतलब पैरों पर मीन्स इसके टायर आगे पीछे के लग चुके थे। और अभी भैया ने इसका मीटर कंसोल भी लगा दिया है, जो एकदम न्यू और ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का है। और यहाँ पे भैया ने इसकी स्विच प्लेट और इग्निशन स्विच भी लगा दिया है, और इसकी वायरिंग मतलब सारी नसें बिछ चुकी हैं, वायरिंग वायरिंग सब ये रही, और इसके सारे स्विचेस जो थे वो ये रहे, और ये सब कुछ रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल ही है। ये देखो इसके बॉक्स में अभी इसके इंडिकेटर जो भी सारा कुछ सामान है वो सब यहाँ पड़ा है, और ये सब जेनमैन रॉयल इनफील्ड का है, सारा सामान जितना भी है ये सामान सब रॉयल इनफील्ड का ही है। अभी भी इसका एयर फिल्टर लगा रहे हैं, वो लग चुका है, अब भी इसको बंद कर देंगे।
और अभी उस तरफ की भी डिग्गी रह रही है। जल्दी से बताओ कि यार ये कलर कैसा लग रहा है, मेरे को तो देखने से काफी अच्छा लग रहा है। और अब भैया ने उठा लिया इसका रेविनेटर बॉक्स और वो लगेगा कुछ यहाँ पे, उसके बाद लगेगा इसका कार्बोरेटर और फिर आएगी यहाँ बैंड पाइप और इसके सब कुछ तो हो ही चुका है। फिर साइलेंसर लगेगा, उसके बाद टंकी लगेगी और उसके बाद इसकी लगेगा पीछे का मडगार्ड और फिर हो जाएगी पूरी स्टैंडर्ड रेडी, ओल्ड स्टैंडर्ड रेडी। इस बुलेट की जो थीम है वो पूरी उस भाई ने ओल्ड रखी है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो उसके। इस बुलेट को भाई ने एकदम ओल्ड बुलेट जैसा बनाने की कोशिश करी है, बल्कि अभी इसके रह रहे हैं 3-4 साल और ये 2014 मॉडल है। ये ऐसा कुछ है उस भाई का कॉन्सेप्ट। बाकी तो कलर तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है ये कलर बना ही रॉयल एनफील्ड बुलेट के लिए। तो यार अब इसके पीछे का भी मडगार्ड हो चुका है पूरा फिट। अब भैया इसके फुट स्टेप लगा रहे हैं। भैया क्या मैं ही लगाऊंगा इसके फुट स्टेप, यही सब होना है और फिर उसके बाद इसका काम हो ही गया समझो। टैंक लग जाएगा, सीट लग जाएगा, पीछे की लाइट वाइट लग जाएगी, उसके बाद ये पूरी कंप्लीट है भाई। और इसकी हेडलाइट लग जाएगी। जब से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आज जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी जल्दी कोई बाइक बंधती भी देखी है, सच बता रहा हूँ यार। बाकी अभी इसे पूरा रेडी होने देते हैं। सो गाइस अभी भैया ने इसकी वायरिंग सारी सही कर दी है, मतलब सेटिंग वेटिंग वायरिंग की होनी थी वो सब हो चुकी है और इसकी ये बैटरी भी लग चुकी है और अभी इसके पीछे के इंडिकेटर लगने बाकी हैं। जो वो रहे पीछे का इंडिकेटर और पूरा कंसोल जो होता है बैक लाइट का वो सब अभी लगेगा, उसके बाद सीट लगेगी और फिर उसके बाद इसका टैंक लगेगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो भी इसमें पार्ट्स लगे हैं वो रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल लगे हैं, वो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या लगा है। सबसे पहले रॉयल इनफील्ड ओरिजिनल इंडिकेटर्स, इसका मीटर कंसोल, ये देखो ये रॉयल इनफील्ड का ही है और ये भी रॉयल इनफील्ड का ही है। बाकी की इसका जितना भी सामान है सब कुछ रॉयल इनफील्ड का है। इसकी ये चाबी के लॉक बॉक्स सब कुछ रॉयल इनफील्ड के ही हैं। बाकी का जो सामान है वो इसका पुराना ही है और ये हॉर्न भी नया लगाया भाई रॉयल इनफील्ड का ही। और अभी मैं आपको देखो लाइट वाइट जला के दिखाता हूँ, ये इसके इंडिकेटर ठीक है, ये इसकी लाइट तो अभी जलेगी ही जब ये स्टार्ट हो। हाँ मीटर की लाइट जल जाएगी, ये देखो ऑन नहीं होगी बस। इसकी छोटी वाली लाइटें भी जल जाएगी, मीटर की लाइट भी जल गई, बाकी इतना काम अभी हो चुका है। और अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो कितना हो रहा है भाई टाइम, 6:15 और हम कितने बजे आए थे यहाँ, 3 बजे आए थे। मतलब ये है भाई कुछ टाइम और इतने टाइम में ये इतनी बंद चुकी है। हमारे आने से पहले बस इसमें वायरिंग हुई थी, हाँ और कुछ नहीं होता। हाँ हमारे आने से पहले बस इसमें वायरिंग हुई थी, हाँ इसके बटन वटन जो भी थे सब सिस्टम लग गया था। हाँ तो भाई यही सब कुछ हुआ है, अभी बस थोड़ी देर और फिर ये पूरी कंफर्म हो जाएगी। थोड़ी देर और ठहर जा, कॉपीराइट ना आ जा बस ठीक है। थोड़ी देर और फिर ये पूरी कंफर्म हो जाएगी, फिर आपसे मिलते हैं तब। सो दोस्तों अब स्टैंडर्ड हो चुकी है पूरी रेडी और यार ये पूरी G2 लग रही है, जो ओल्ड पहले G2 आती थी वैसी लग रही है। पर इंजन से पता लग रहा है कि ये इतना पुराना मॉडल नहीं है, पर ये 2014 मॉडल है और काफ़ी अच्छी लग रही है यार देखने से। मिस्त्री भैया को भी हमारे बहुत काफ़ी अच्छी लगी। कैसी लगी भैया ये बाइक, बढ़िया है ना एकदम? और यार मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगी, एक नंबर है ये। और अभी इसकी जो सीट है वो दूसरी इसमें लगेगी, वो भी बनने गई हुई है, वो भी आई नहीं है। बस इसका एक ये काम है और एक जो इसका यहाँ लोबो लगेगा नट वाला जो पुराने स्टैंडर्ड में आता था वही लगेगा इसमें। और यार इंजन की भी बिल्कुल नॉइस इतनी नहीं आ रही, बल्कि इसमें इंजन का काम हुआ भी नहीं है फिर भी इसका इंजन इतना सही है। और इसमें जो एग्जॉस्ट है वो स्टॉक ही लगाया है उस भाई ने जिस भाई की ये है। अगर इसमें इंदौरी होता तो और काफ़ी अच्छा थंप आता है, काफ़ी अच्छा साउंड आता और मतलब अच्छी लगती। और ये आप कलर अब चेक कर ही सकते हो, स्पार्कल्स कितने अच्छे लग रहे हैं ये कलर। और ऊपर से कुछ ऐसी लग रही है रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड। और ये ज़रा मैं अब इसका ये हटा देता हूँ और ये देखो एक बारी मैं पूरा आपको ऑल ओवर व्यू दिखाता हूँ इसका। बाकी यार अब आप सब कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लग रही है ये स्टैंडर्ड। और इसमें जितना भी सामान गिरा है मैं दोबारा बता रहा हूँ वो ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का गिरा है। इसका मीटर, इसके बटन, इसकी जो चाबी का सेट आता है वो सभी ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड से ही आया है। इसकी सीट, इसके ये जो यहाँ पे स्टिकर लगेंगे वो सब वो उस बक्से में सब आया था, सारा सामान इसका इंक्लूड सब कुछ। और अभी इसका कुछ पार्ट्स रह रहे हैं, जैसे कि इसका यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का जो लोगो आता है वो रह रहा है, वो रखा है वहाँ पे उसमें। और एक नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगी जो ओल्ड में आती थी वो भी लगेगी, अभी वो नहीं लगी है अभी तक, वो लग जाएगी कुछ देर बाद।
और इसकी सीट चेंज होगी। और मैं आपको इधर से दिखाऊं तो इधर से कुछ ऐसी दिख रही है, ये देखो। और अभी स्टार्ट है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये स्टार्ट हुई है, तो भैया ने थोड़ी सी स्टार्ट ही रहती है। अभी इसका बैटरी कवर नहीं लगाया है और इसमें हॉर्न जो है वो भी पूरा न्यू गिरा है, ये देखो हॉर्न भी एकदम नया है। और इसका नंबर तो यार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैंने पहले नोटिस नहीं करा था पर अब मैंने नोटिस करा है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका नंबर। तो अभी एक बार मैं आपको लाइट वाइट जला के दिखाता हूँ, ये देखो ये इसके इंडिकेटर जल गए, इसकी लाइट्स वाइट सारी जल रही हैं। और इसकी हाई लो, और ये इसकी हाई है, ठीक है, लाइट पूरी वर्क कर रही है। सो गाइस अब अंकल जी आ चुके हैं फ्रेम में, और ये देखो अब इसके लोबो भी लग गए हैं जो ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड के ही हैं, है ना अंकल जी। अब अंकल जी ने इसके लोबो भी लगा दिए हैं और अब चेक करो यार इसके लुक, एक साइड के ही लगे हैं अभी, और अभी लुक चेक करो अब लग रही है भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है यार ये बुलेट। और मेरे को तो देख के इससे प्यार सा हो गया, और इसका कलर जो है वो काफ़ी यूनिक है, मतलब काफ़ी यूनिक कलर है यार सच में। तो भाई बस यही थी आज की अपनी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो करना लाइक, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि ये कैसी कन्वर्ट हुई और कैसी रिस्टोरेशन रही इसकी स्टैंडर्ड से एकदम G2, और आपको कैसी लग रही है, पेंट जॉब कैसा है, ये सभी चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ना लाइक, चैनल को ना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे फिर किसी और नए वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ। तो ओके भाई, राम राम।